मम्मी रो मत, आप है ना, अभी पापा मम्मी जा रहे हैं अंदर, टाइम हो गया, लाइन लग गई है, रो मत। ठीक है मम्मी, प्रणाम। ठीक, प्रणाम। आराम जाना ना, फ़ोन कर देना, रो मत अब आप। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ शुभम और मम्मी पापा आज जा रहे हैं इंडिया, घूम लिए मॉस्को से, रशिया घूम लिए। अभी देखो हम आगे सामान वामान लेके, ये तो मेरा बैग है, मैं लेके जाऊँगा, ये पापा मम्मी के हैं। और अभी हम टर्मिनल सी पे जाने वाले हैं, वो देखो टर्मिनल सी है, हम टर्मिनल बी से घुसे थे तो टर्मिनल सी पे जाएंगे। भाई कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। अब जाओगी, याद आएगी, अधीन फोटो, अधीन फोटो है, अधीन फोटो, मोजना फोटो, मोजना फोटो। अब कौन बोलेगा? देखो बहुत फोटो खिंचवाई, फोटो खिंचवाई मम्मी ने, मम्मी सेलिब्रिटी बन गई, अब जा रही है सेलिब्रिटी बन के, है ना मम्मी? चलो आओ, दबा उसको, दबा के लेके आओ, साइड इधर जाएगा, इधर का यहाँ पे घूम ले। मम्मी पापा को देख के बहुत अच्छा लगा रशिया, क्योंकि यहाँ साफ़ सफाई बहुत अच्छी है और जो लोग बाग है ना वो बहुत काइंड है। मतलब अगर आप और कंट्री के थ्रू देखोगे ना, जैसे आप यूरोप वगैरह में जाओगे तो यूरोपियन जो कंट्री है, जैसे इंग्लैंड वगैरह हो गया, ब्रिटेन, वहाँ पे इंडियंस लोगों को थोड़ा अलग नज़रिए से देखते हैं, यहाँ पे इंडियन लोगों को बड़े प्यार की नज़रों से देखते हैं। और मम्मी मम्मी कल आपसे पूछ रहा था ना, क्या शशि कपूर वगैरह, वो मम्मी से पूछ रहा था एक टैक्सी ड्राइवर, मम्मी से क्या, हम सबसे ही, कि आपने देखा है शशि कपूर वगैरह, वो पिक्चर देखते थे यहाँ की पुरानी पिक्चरें, पूछ रहे थे कि वो जिंदा है कि मर गया, उनकी बेटी कौन है, वो सबको जानते हैं, अमिताभ बच्चन वगैरह को, तो यहाँ पे अलग ही रेस्पेक्ट मिली ना। देखो मम्मी अच्छा लगा ना यहाँ पे, देखो इंडियन का बहुत अच्छे रेस्पेक्ट करते हैं। देखो ये अभी हमें टर्मिनल सी पे जाना है, तो उधर है टर्मिनल सी। अब जो भी मॉस्को आ रहे हैं ना, अगर कोई टैक्सी ड्राइवर आपको बी पे छोड़ रहा है सी की जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अंदर आओगे तो अंदर ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका एक बार बैग चेक होएगा ये पूरा, और आपको आगे आगे अंदर से आप जा सकते हो। देखो टर्मिनल सी लिखा है कि इधर जाना है, टर्मिनल सी पे, ये मॉस्को का एयरपोर्ट है श्रीमंतोवा, इसी पे एरोफ्लोट की डायरेक्ट फ्लाइट आती है। अभी हमारी जो फ़्लाइट लगेगी वो उस टर्मिनल सी वहाँ से लगेगी, तो हम अभी कहीं पे भी बैठ सकते हैं, जैसे खाली जगह है यहाँ पे भी बैठेंगे। और मैं इनको यहाँ बिठा देता हूँ, पापा आप यहाँ बैठ जाओ, मैं देख के आता हूँ फ़्लाइट कितनी बजे है। मैं नहीं जा रहा, मैं इनको सिर्फ छोड़ने आया हूँ, रशिया के अंदर अंदर अलाउ करते हैं, एयरपोर्ट के अंदर आ सकते हैं छोड़ने, जहाँ तक इनका बैग वैग चेक ये रखा जाएगा ना, लगेज वगैरह, तब तक मैं इनके साथ हूँ, इनके बाद इनको जाना होगा। इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। तो अब मम्मी याद आएगी रशिया की? मम्मी को तो यहाँ का बाथरूम अच्छा नहीं लगा, और क्या अच्छा नहीं लगा, बाथरूम और खाना। खाना तो हमने घर पे बनाया था, यहाँ पे सारी आइटम नहीं मिलते ना, महंगे मिलते हैं, तो लेके ही नहीं आने देते, मिलते नहीं। चलो आप यहाँ बैठ जाओ सामने ही, मैं देख के आता हूँ। फिर मम्मी पापा को बिठा दिया मैंने, मैं देख के आता हूँ कितनी, किसी की बोतल रखी हुई थी तो नीचे गिर गई, मैं अभी देख के आता हूँ। यहाँ पे सब बैठे हैं, हमारी फ़्लाइट है 6 बजे की, तो जब वो चेकिंग स्टार्ट होगी ना, मेरी आज बस है तंबाऊ की 10 बजे की, तो मैं तो क्या है इन्हें छोड़ के फिर मैं मेरे घर के लिए निकलूँगा, क्योंकि मैं भी वहाँ पे काफ़ी टाइम से नहीं हूँ। अब मैं चेक करके आता हूँ कि मेरी जो मतलब इनकी जो बोर्डिंग है एरोफ्लोट की कितने बजे शुरू होगी, उसके बाद मैं इनको बिठा के मैं भी निकलूँगा। मेरे को तो याद आएगी मम्मी आपकी, खाना बना देते थे मेरा। अब मम्मी जाते जाते रोना मत, आप पहले की जैसे रो के वहाँ पर भी आता हूँ ना, तो आंसू आ गए ऑलरेडी, रोना मत अब। पापा भी थोड़े ऐसे हो गए अभी, कोई नहीं, तो आप जाओ वहाँ पे बढ़िया खान, दीदी से मिलना, नन्नू के साथ खेलना। चलो मैं आता हूँ, अब रूम में खड़ा रहूँगा तो आंसू आ जाएंगे, ठीक है? तो अभी मैं इनको छोड़ के देख के आता हूँ भाई क्या है, कितने बजे की, कितने बजे बोर्डिंग स्टार्ट होगी सब कुछ। मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ, मेरे भी आंसू आ गए थे, मम्मी पापा के भी आंसू आ गए थे। अभी क्या है, आया था 2 महीने पहले आए थे वो यहाँ पे, और घुमा ही रहा था, मैं उनको लेने आया था, सब कुछ याद आ गया, इसी एयरपोर्ट पे उनको लेने आया था मैं, और अभी इनको छोड़ने आया हूँ। इंडिया में इतनी नहीं घूमी जितनी यहाँ पे मैंने घुमाया, मम्मी को बोल रही थी मम्मी थक गई। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है ना, घूमने के लिए बड़ी बड़ी जगह होती है, तो मम्मी थक जाती थी, तो इसलिए मैं एक दिन का गैप लेके एक दूसरे दिन घूमते थे। यहाँ पे अगर कोई मॉस्को में आया तो हम यहाँ पे आके देख सकते हैं, टर्मिनल सी के सामने लिस्ट लगी रहेगी, इस लिस्ट के अंदर आपकी फ़्लाइट का टाइम, नंबर और नाम लिखा रहेगा, यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं। कहना पड़ेगा मम्मी पापा के साथ रह लिया ना, अभी यहाँ पे आदत हो गई मेरे को रहने की, अभी 2 महीने से थे, खाना बन जाता था, मैं तो कोई काम नहीं करता था, मम्मी करती थी, मम्मी या पापा, मम्मी भी मतलब पापा भी हेल्प कर देते थे, अब तो सब कुछ मेरे को ही करना पड़ेगा वापस से, क्या करे। पर घुमा लिया, मेरे को अच्छा लग रहा है, इनको घूम लिए, अभी इंडिया में जाएंगे आज,
काफ़ी टाइम से यहाँ पे है, इंडिया की याद आ रही थी मम्मी को। देखो ये है, यहाँ पे मेरे को चेक करनी पड़ेगी कि कितने बजे है फ़्लाइट। देखो दिल्ली की जो है वो ओपन हो चुकी है चेक इन, तो मैं इनको चेक इन करा देता हूँ, चेक इन की लाइन में लगा देता हूँ, क्योंकि मेन बात ये है कि एक बार चेक इन हो गया ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, कितना किलो वजन है कितना क्या है वो पता चल जाएगा। अभी एक्स्ट्रा है तो हम चेंज कर लेंगे बाहर आके। अभी मैं इनको करवा देता हूँ चेक इन, उसके बाद में अंदर जाएंगे ये, अंदर जाके थोड़ा क्योंकि वहाँ बैठ जाएंगे, मैंने इनको बोल दिया। अभी बजे तो एक ही है, मैं तो सोच रहा था 4 बजे तक फ्री होऊंगा, बट एक बार इनकी चेक इन करा ले लूँगा ना तो फिर बाद में थोड़ी देर हम बाहर रुक जाएंगे, चेक इन हो जाए एक बार पूरी, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज सुबह उठ के वो बनाया था सैंडविच बनाए थे, पापा मम्मी बोली कि रोटी तो बनाने का कुछ है नहीं अपार्टमेंट में, बेलन वगैरह नहीं था, तो सैंडविच मम्मी ने मसाला बना दिया था बढ़िया, और सैंडविच बना के रख लिए। मैंने भी मेरा डब्बा पैक कर लिया कि मैं भी खा लूँ और मम्मी भी खा लेगी, मम्मी पापा भी खा लेंगे। प्लस एक खरबूजा था मस्क मेलन, उसको भी हमने काट लिया। यहाँ के मस्क मेलन बहुत मीठे होते हैं, अगर आप बाहर से खरीदोगे ना, सुपरमार्केट से खरीदोगे तो अच्छे नहीं आएंगे, आप बाहर से खरीदोगे ना रोड पे जो स्ट्रीट पे लगा के बैठे, थोड़े महंगे देते हैं वो, और इतना मीठा क्या बताऊँ। तो मम्मी को पसंद था वो, तो मैं लेके आया था, तो सुबह वो भी काट के डब्बे भर लिए मैंने। अभी आराम से खा लेंगे हार के, वैसे फ़्लाइट में इनको मिल ही जाएगा, फिर इंडिया पहुँच जाएंगे, इंडिया में तो फिर यही वहाँ पे। पापा मेरे को ना, मैंने 3 बैग करे थे, मैं 3 लेके जाऊँगा, एक और पकड़ा दिया ये लेके ही नहीं जा रहे सामान इसका। भाई मम्मी अब तो इंडिया जाओगे, वहाँ सफाई करनी पड़ेगी, अभी पूरे मिट्टी मिट्टी हो गई होगी घर में, हमारे वहाँ बहुत मिट्टी उड़ती है पास में। पापा आप जिम्मी को ले आना है ना, आप जिम्मी को हम दे के आए थे, ये मम्मी मना कर रही है, जिम्मी को ले आना भाई, जिम्मी को अपने घर में रखेंगे, मम्मी मना कर रही है। अभी थोड़ी देर में बाद चेकिंग कराएंगे हम, यहाँ पर बैठे हैं हम, अभी खा ही नहीं रहे, कुछ भूख ही नहीं लग रही मेरे को, तो वहाँ लगे ही तंबो में पराँठे की भूख। मम्मी पराँठे बना देती थी, सब्जी बना देती थी है मम्मी। अब बनेंगे पराँठे, मेरे से बोलती पराँठे बना लेना, कहीं पूड़ी बना देती थी, कहीं भटूरे बना देती थी, तो बस रोने लग गई अब। चलो भाई अब जा रहे हैं मम्मी पापा, हो गया टाइम चेकिंग के लिए। जाओ जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ अभी, तो जाओ। अभी ना पता है क्या हुआ था, मैं मम्मी को कह रहा था कि एक एक जाओ, मम्मी चल गई एक साथ में, तो वो बोले कि इसके इनके टिकट में लगेज ही नहीं है। अब मैं बोला लगेज है, अब पापा को समझ में नहीं आ रहा क्या, फिर मैं गया भगता भगता, उन्होंने कहा मम्मी का टिकट देख रहे थे, पापा के टिकट में था लगेज, पापा का देखा नहीं, अब वो कन्फ्यूज़ हो गया। फिर मैं गया भगता भगता, लगेज करवाया अभी, और इसमें ज़्यादा वजन थोड़ा है मम्मी, एक लगेज है 25 किलो वजन था, तो उन्होंने बोला भाई 2 किलो निकाल दो आप इसमें से, हमने निकाल के मम्मी के पास कुछ भी नहीं था उसमें रख लिया, हम वहाँ पर जाके दोबारा रख लेना अगर रखो तो, आपके पास 3 हो जाएंगे। चलो हाँ, जो आपको इसके अंदर से एंट्री लेनी है मैं आपको बता देता हूँ आपके कौन से टिकट कितना। मम्मी और पापा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं भाई, यहाँ से आपको ये ग्रीन वाले गेट में अंदर जाना है, और 18 बजे 6 वो है, अभी आप थोड़ी देर रुक के भी जा सकते हो, 6 बजे अब हो गया आपका यहाँ पर तो काम, 6 बजे है अभी आपकी, तो आप चाहे तो बैठ भी सकते हो, वो टॉयलेट वॉयलेट भी जाया हो, मैं भी टॉयलेट जाऊँगा, हो गया काम। मैं अपने आपको दिखा दूँ, देखो 142 वाला गेट है आपका, और 18 बजे वो खुलेगा, मतलब 6 बजे 6:20 बंद हो जाएगा, और आपकी सीट है 32D, आपकी कौन सी है 32E, आसपास ये DE, आपकी दोनों की सीट आसपास ही है। मम्मी रहो मत आप है ना, अभी पापा मम्मी जा रहे हैं अंदर, टाइम हो गया, लाइन लग गई, रहो मत, ठीक है मम्मी, प्रणाम, ठीक प्रणाम, आराम से जाना है ना, फ़ोन कर देना, रहो मत अब आप, ठीक है चलो जाओ जाओ ना, अच्छा आराम से आए अंदर है ना, मैं यहीं हूँ मैं, आप फ़ोन कर देना ना कुछ आगे हो तो, ठीक है मम्मी, एक एक करके जाना है ना, अब रो मत मम्मी, आप रो मत, चलो जाओ जाओ। मेरे भी ना आंसू आ गए, और मेरे को भी अभी रोना सा आ रहा है, क्योंकि अभी मम्मी इतने दिन से रुकी हुई थी मेरे साथ में, अभी मैं कह इनकी मम्मी तो आंसू गिर रहे हैं, मैं मम्मी के पास में जाऊंगा तो ज़्यादा रोएगी, तो मम्मी को मैं यहीं से बोल रहा हूँ कि भाई जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, वैसे फ़ोन कर लूँगा मैं, रो रही हूँ मम्मी, मैं तो देखू ही नहीं, पीछे चल जाता हूँ, मम्मी रो रही है, और इसलिए रो रही है कि भाई जा रही है ना आज मेरे को छोड़ के, मेरे को भी ऐसे आ रहे क्या करें। अभी मम्मी पापा को अंदर छोड़ दिया, और मेरे को है ना ऐसा
अंदर से दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा, और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे जाके बैठूँगा, क्योंकि वो अभी अभी गए हैं, अंदर गए हैं मम्मी पापा भी यहाँ पे। अभी मेरे को मतलब क्या बताओ, रोना आ रहा है, पर मेरे को दोस्त मिल गए थे तो उनसे बात करने लगे, मॉस्को में रहते हैं। अभी मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा, उनका इंतज़ार करूँगा, उसके बाद जाऊँगा। तो गाइज आपको बताना वीडियो कैसी लगी। अब तो क्या मेरे को याद आएगी, दही बड़े बना देती थी मम्मी कई बार मिर्ची बड़े मिर्चियाँ लेके आई थी 1-1.5 किलो, और पराठे तो रोज़ ही बनते थे हमारे, सब्ज़ी अच्छी अच्छी बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, सारी चीज़ों की याद आएगी मेरे को। तो अब क्या करें, अब इंडिया जाने के बाद ही खा पाऊँगा मैं तो। वैसे आ जाते हैं ना कि लोग आते, जैसे मैं इंडिया जाता हूँ तो मम्मी रोने लग जाती है, वहाँ पर भी मैं भी रोने लग जाता हूँ आते टाइम, यहाँ पर भी मेरे भी मतलब मम्मी इमोशनल हो गई, मैं भी क्या करें, अभी जाना है तो अभी कोई नहीं, अभी जाता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो आप लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना इस वीडियो, कमेंट करना और बताना कि आपको कैसा लगा और कैसे लगी मेरी मम्मी पापा, ये भी बताना। तो ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत।